पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए इसमें स्टैटिक क्या चीज है, इसमें फैक्ट्स क्या हैं, और तीसरी चीज इसमें एनालिसिस क्या है। मैं वो सारी चीजें यहां पे आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और जो मैंने अभी आप लोगों को पहले जो कुछ भी समझाया कि हिस्ट्री को आप स्टेप्स में लिटिल लिटिल छोटी छोटी स्टोरीज में पढ़ेंगे, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसमें स्टैटिक डेटा क्या है कि ये कब हुई थी। इट इज वेरी क्लियर दैट इट टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761, दैट इज अ स्टैटिक डेटा, राइट। तो अगर मुझे, मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को बहुत डिटेल में एनालाइज कर रहा हूँ, नाउ अंडरस्टैंड मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। लुक एट दिस वन, दिस इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑन 14 जनवरी 1761। तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ पढ़नी है वो ये है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया बिफोर दैट, राइट। मैं बहुत स्मॉल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, राइट। ये जो ये टाइम पीरियड है 1761 का, इस टाइम इंडिया में क्या हो रहा था। नंबर वन, मराठाज एक्सपैंड, मराठा टेरिटरी एक्सपेंशन हो रही थी। मराठा इस टाइम अपने, जिसको हम बोलते हैं, क्लाइमैक्स पे थे, राइट। नंबर टू, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑन इंडियन प्लेग्राउंड, ऑन इंडियन प्लेग्राउंड, दैट इज थर्ड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर इट वॉज गोइंग ऑन। ये इस टाइम 1761 की पोलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, राइट। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है ये चल रही थी। नंबर थ्री, राइट, मुगल एम्पायर वॉज डिक्लाइनिंग। मुगल एम्पायर इस टाइम, वैसे भी मैं मुगल कोर्ट की अगर बात करूं तो सीधी सी बात है वो षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसीज, राइट, इंट्रीग्स, इनका सेंटर बन चुका था। मुगल कोर्ट में, दिल्ली में, लाल किले के अंदर बैठ के कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि इस राजा को कैसे हटाया जाए, उस राजा को कैसे कंट्रोल किया जाए, किसको राजा बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। मुगल में यही काम कर रहे थे, लेटर मुगल्स यही काम कर रहे थे। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, इंडिया वॉज डिवाइडेड। एक तरह से मैं बात करूं, इंडिया वॉज डिवाइडेड इन स्मॉल टेरिटरीज, स्मॉल टेरिटरीज, ये हमारे पास, ठीक है, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई। तो मैंने ये एक तरह से, कोई भी आप कुछ भी आप पढ़ेंगे, राइट, सबसे पहले आपको उसका यहाँ पे मेनली बैकग्राउंड या पॉलिटिकल सिचुएशन वो पता होनी चाहिए। तो ये स्मॉल टेरिटरीज में क्या है, बंगाल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुकी थी, नंबर वन। दूसरी साइड पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अवध अपने आप को डिक्लेयर कर चुका था। तीसरे, रोहिलाखंड अपने आप को अलग से वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुका था। नंबर फोर, हैदराबाद अलग एस्टेब्लिश हो चुका था। नंबर फाइव, राइट, यहाँ पे राजपुताना अलग एस्टेब्लिश्ड हो रहे थे। नंबर छः, जाट्स, राइट, दैट इज अवध, ओ सॉरी, जाट मथुरा जो भरतपुर बेल्ट है, ठीक है, उसमें जाट्स चल रहे थे। एंड अगर आपको ध्यान में हो तो ठीक इसके बाद मैसूर, मैसूर भी राइज हो रहा था। और इन्हीं के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ रहा था कि
ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे एक्सपेंशन में लगे हुए थे, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई एक्सप्लेन्ड हेयर, द व्हाट वॉज द पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, राइट? नंबर टू, यू गो फॉर दिस वन. अब हमारे पास दूसरी चीज आती है, राइट? मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को एनालाइज कर रहा हूं, राइट? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हमारे पास यहां पे टीम्स की बात हो रही है कि कौन कौन सी टीम्स थी. तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास एक्टिव प्लेयर्स. सो एक्टिव प्लेयर्स में वन साइड पे हमारे पास मराठास थे, राइट? और दूसरी साइड में हमारे पास अब्दाली था, अफगान, राइट? ऑन द वन साइड दिस वाज मराठास एंड ऑन द अदर साइड अब्दाली. दे वर द एक्टिव प्लेयर्स, मेनली वही लड़ रहे थे, ठीक है? नॉन एक्टिव प्लेयर्स. तो ये जो नॉन एक्टिव प्लेयर्स हैं, इसमें बेटा मैं अब बताता हूं आपको, अवध, जाट्स, राजपुताना, रोहिलाज, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन लोगों ने ये सेकेंडरी रोल प्ले किया, बट दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? सो दैट वॉज अवर नॉन एक्टिव प्लेयर्स. तो मुझे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो सिचुएशन थी वो ये चल रही थी, टीम्स थी, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, वाई अब्दाली अटैक्ड, राइट? अब हमारे पास मेनली क्वेश्चन ये आता है कि था कौन अब्दाली, राइट? तो अब्दाली का बैकग्राउंड भी मुझे देखना ही, मैंने पॉलिटिकल सिचुएशन यहीं की ना, मुझे अब्दाली की भी बैकग्राउंड देखना पड़ेगा. 1739 में, राइट, नादिर शाह रेडेड इंडिया. नादिर शाह रेडेड इंडिया, राइट? तो उसके साथ में जो उसका एक जनरल होता था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली इन द ईयर 1748 नादिर शाह वॉज किल्ड, राइट? नादिर शाह मर जाता है एंड अहमद शाह अब्दाली बिकेम द रूलर. अहमद शाह अब्दाली बिकेम द रूलर ऑफ हिज टेरिटरी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय नादिर शाह, राइट? सो ये आ जाता है. अब अब्दाली ने क्या किया कि इंडिया वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री होती थी, राइट? इन सम लेक्चर आई विल डेफिनेटली टेल यू, इन द एंशियंट टाइम इंडिया वॉज नोन एज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी. लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी. और ये सफर देखिए कि मॉडर्न टाइम स्टार्ट होने तक, मुगल्स के आने तक, मैं मुगल्स की बात करता हूं यहां पे, मुगल्स के आने तक इट वॉज नोन एज द लैंड ऑफ इनफाइडल्स. यानी कि एक तरह से गद्दारों का देश जाना जाने लगा था इंडिया, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी से लेके ये वाला, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड कि अब हमारे पास है कि वाई अब्दाली अटैक्ड. अब जो चीज नादिर शाह छोड़ के गया था, अब्दाली हैज टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड मेनली जो इसमें फसाद की जड़ थी वो पंजाब रीजन था. तो अब्दाली ने इंडिया में, मैं आपको बताता हूँ, टोटल 6 रेड्स हैं अब्दाली की. हाउ मेनी? 6 रेड्स इन इंडिया. और ये जो बैटल ऑफ पानीपत है ये उसकी 5th रेड थी. बट पंजाब रीजन में अब्दाली जो है बहुत कॉमनली एंटर होता था. एंड वो अपने बेटे तैमूर शाह को वहां का गवर्नर एस्टेब्लिश कर गया, राइट? अब मराठास ने क्या किया कि मराठास उस टाइम बहुत बड़ी पावर होते थे. सो मराठास स्टार्टेड एक्सपेंडिंग एंड दे अटैक्ड पंजाब और वहां से उन्होंने तैमूर शाह को भगा दिया, राइट? अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब तैमूर शाह वहां से भाग गया तो उसकी वजह से अब्दाली को गुस्सा आ गया. तीसरा पॉइंट हमारे पास, वाई अब्दाली रेडेड. सो अब्दाली के कारण, अटैक का भी कारण पता चल गया.
अब हम बात करते हैं कोर्स ऑफ वॉर। देखिए मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मैं बहुत लिमिटेड और कंसाइज वर्ड्स में बता रहा हूँ, राइट। अब्दाली इंडिया में जून 1760 में आ गया था, राइट, और बैटल हो रही है हमारे पास 14 जनवरी 1761 को। अंडरस्टैंड एंड मैप लिटिल बिट, इट इज दिल्ली, सो इफ यू नो इट द पानीपत इज समवेयर हेयर, एंड इफ यू पीपल नो द यमुना रिवर इज फ्लोइंग थ्रू लाइक दिस वन, राइट। सो अब्दाली जो है वो हमारे पास, ये जो ये उत्तराखंड वाला जो रीजन आता है, दिस इज नोन एज द रोहिला खंड, राइट, रोहिला खंड। तो ये रोहिला खंड जो रीजन है, इन लोगों का जो ओरिजिनल ओरिजिन है, द रियल ओरिजिन ऑफ दीज पीपल वॉज अफगान ओनली, राइट। अब व्हाट हैपेंड, इंडिया का मौसम की जानकारी ध्यान में रखिएगा, जुलाई अगस्त, राइट, ठीक है, ये इंडिया में मॉनसून पीरियड्स होते हैं, राइट। सो जब अब्दाली इंडिया में आके बैठा 1760 में, मराठास जो हैं वो पानीपत में जाके बैठ चुके थे, उन्होंने वहां पे जाके एस्टेब्लिश कर लिया। और अब्दाली कहाँ है, यहाँ पे उत्तराखंड में है, ठीक है। अब मराठास की पहली गलती, दे डिडंट अटैक अब्दाली, उन्होंने अब्दाली पे अटैक नहीं किया, ये मराठास की पहली गलती थी। नाउ व्हाट हैपेंड, यमुना उस टाइम अपने पूरे फ्लो में थी ड्यू टू रेनी सीजन, राइट, एंड अफगान आर्मी विच वॉज सेटल्ड हेयर अंडर अब्दाली वॉज स्केयर्ड ऑफ क्रॉसिंग द रिवर जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन, राइट। नाउ व्हाट अब्दाली डिड, अब्दाली जस्ट शोड द डेयर एंड उसने घोड़े से उतरा, उसने यमुना में जंप किया, एंड ही क्रॉस्ड यमुना, एंड इफ यू पीपल नो द प्लेस मूरथल, अब्दाली ने वहां जाके यहां पे आके वो बैठ गया, राइट, एंड इट वॉज सेप्टेंबर 1760, इट वॉज सेप्टेंबर 60। कहां आके बैठ गया वो, दिल्ली, और ये दिल्ली है और ये पानीपत है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अब्दाली आके बैठ जाता है। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन देन, अब समझना इसको कि अब्दाली ने भी अटैक नहीं किया और दूसरी साइड से मराठास ने भी अटैक नहीं किया, और यहां पे अब्दाली आर्मी बैठी हुई है। अब अब्दाली की आर्मी ने किया क्या, पहली बात, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत कॉमनली आया हुआ है, व्हाई पानीपत वाज द सेंटर ऑफ मेजर वॉर्स इन इंडिया, राइट। सो उसका एक कारण यहाँ पे है कि जब पानीपत जो ओपन ग्राउंड्स थे, सामने से कोई भी आता था वो दिख जाता था, बट दूसरी चीज ये थी कि बीइंग नियर टू दिल्ली, यहाँ से उनको रेगुलर सप्लाईज मिलती रहती थी, जो भी दिल्ली वाली जो आर्मी होती थी उनको रेगुलर सप्लाईज मिलती रहती थी। अब ये सितंबर 1760 से लेके जनवरी 1761 तक एक जगह पे अब्दाली बैठा रहा, इन लोगों ने नहीं अटैक किया, मराठास ने नहीं अटैक किया। व्हाट हैपेंड इन द मीनवाइल, अब्दाली ने यहां से जितनी भी सप्लाईज थी मराठास की वो बंद कर दी, राइट। अब जब अब्दाली को लगा, या मराठास को भी एक टाइम के बाद लगा कि अब हमारी सप्लाईज बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव मोर ऑन द रिमेनिंग कोटा, सो दे अटैक्ट अब्दाली, और अब्दाली अटैक्ट ऑन देम। अब्दाली को भी ये लगा कि अब इनके पास सप्लाईज बहुत कम रह गई हैं, तो इनको इधर से तो हेल्प मिलनी नहीं है। देन व्हाट हैपेंड, 14 जनवरी 1761 को वो अटैक हो गया। अब पूरा दिन सिचुएशन जो है वो मराठास की फेवर में रही, बट देयर वर टू प्लेयर्स। अब इन एक्टिव प्लेयर्स में भी मैं अगर बात करूं, सो आई विल गो लिटिल बिट इन डेप्थ, ठीक है। जनरली मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, वन पर्सन वॉज सदाशिवराव भाऊ मराठास की तरफ से, वन वॉज सदाशिव राव भाऊ, ठीक, और दूसरा जो हमारे पास मेन प्लेयर था वो था विश्वास राव, इट वॉज विश्वास राव,
ठीक है, ये मराठास के मेन लीडर थे, और दूसरी साइड पे अहमद शाह अब्दाली था, राइट। विश्वास राव वॉज द सन ऑफ दैट करंट पेशवा बालाजी बाजी राव, बट जैसे ये वॉर हुई शाम को विश्वास राव की डेथ हो जाती है, उसको कुछ गोली लगती है और वो मर जाता है। बट सदाशिव राव जो है, ये दोनों कजन्स होते हैं, इन दोनों में काफ़ी प्यार होता है, बट सदाशिव राव जैसे इसकी डेथ की न्यूज़ सुनता है वो अपने एलिफेंट से उतर के इसके पास जाता है, एंड द आर्मी थिंक्स कि ये सदाशिव राव भाऊ भी मर गया, और आर्मी में भगदड़ मच जाती है, एंड देन अब्दाली की जो आर्मी है वो पूरी तरह से मराठा आर्मी के ऊपर हावी हो जाती है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द कोर्स ऑफ वॉर, राइट। और इस तरह से शाम तक, ठीक है, तकरीबन 1.5 लाख मराठास जो हैं वो मारे जा चुके हैं 14 जनवरी 1761। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वॉर? मराठास हार गए, राइट। मराठास हारे, और उस रिजल्ट को मैं आपको मेंशन करूंगा कि एक भी महाराष्ट्र में उस टाइम एक भी घर ऐसा नहीं था जहां से लाश ना निकली हो, राइट। इट वॉज अ ह्यूज लॉस फॉर मराठास, राइट। वो उनकी जो भी उन्होंने अपनी इज्जत भी बनाई हुई थी उनके उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। दैट इज द रिजल्ट ऑफ वॉर, एंड देन इट इज फाइनली एनालिसिस हु वॉज डिफीटेड एंड वाई, राइट। सो फार इन दिस वीडियो आई कवर्ड अप टू दिस पॉइंट, एंड नाउ वी विल एनालाइज दिस वन। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को एक्सप्लेन करूंगा कि उसका क्या एनालिसिस था, कौन हारा, कैसे हारे, क्यों हारे, एंड व्हाट वाज द अल्टीमेट रिजल्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वन। गुड डे एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।